सवा किलो चरस की तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर नशा विरोधी दस्ते ने 6 घंटे देरी से केस दर्ज किया। पुलिस ने देरी के कारण का खुलासा नहीं किया और ऑपरेशन के दौरान किसी सरकारी न्यायाधिकरण को नहीं बुलाया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीबी घोगे नागपुर में यह खुलासा किया है कि तस्कर को पुख्ता सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। ऐसे में अब पुलिस जांच की भूमिका सवालों के घेरे में है। बरी किए गए आरोपी का नाम नीलेश आसरे है। 11 जुलाई 2017 को क्राइम ब्रांच के एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड ने जाल बिछाकर शाम 5:30 बजे हुडकेश्वर मार्ग पर उसकी कार नंबर MH40AC0557 से हशीश की तस्करी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके शव की तलाशी लेने पर पुलिस को एक बैग में 1,24,000 रुपए मूल्य की 1 किलो 242 ग्राम चरस मिली। हुडकेश्वर थाने में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के जवाबों और स्वतंत्र गवाहों के जवाबों में भी भारी अंतर है। अदालत ने फैसला सुनाया कि पुलिस मामले में आरोपी को फंसाने की संभावना से इनकार नहीं कर सकती है, यह कहते हुए कि मजबूत सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी किया जा रहा है। नीलेश आसरे याला 11 जुलाई 2017 ला नागपूर गुन्हे शाखेच्या NDPS पथकाने 1 किलो 242 ग्राम चरससह पकडलं होतं। या प्रकरणामध्ये हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि त्या प्रकरणाचा खटला जिल्हा व सत्र न्यायालय नागपूर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश TV घुगे साहेब यांच्यासमोर चालवण्यात आला। या प्रकरणात सरकारी पक्षाने एकूण 7 साक्षीदार तपासले। न्यायालयाने सर्व साक्षीदार आणि बचाव पक्ष व सरकारी पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आरोपीला निर्दोष सोडताना असे म्हटले आहे की आरोपी विरुद्ध 11 जुलै 2017 5:30 कारवाई करण्यात आली होती। त्यानंतर FIR दाखल करताना 6 तासाचा विलंब झालेला आहे। जवळपास रात्री 12:29 FIR दाखल झालेला आहे आणि एवढा विलंब होण्यामागचे कारण पोलिसांनी स्पष्ट केलेले नव्हते। दुसरीकडे NDPS ॲक्ट अंतर्गत कारवाई करत असताना सरकारला किंवा तपास यंत्रणांना एक सरकारी साक्षीदार किंवा सरकारी पंच सोबत ठेवायचा असतो कारवाई करत असताना, परंतु सरकारी पंच किंवा सरकारी साक्षीदार पोलिसांनी सोबत ठेवलेला नव्हता आणि एक खाजगी पंचासमोर ही कारवाई झालेली होती। ही पण बाब न्यायालयाने अधोरेखित। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी BCN News नागपूर।